भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उमर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। वी वर हेयर अ फ्यू मंथ्स अगो आफ्टर जुनैद वॉज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट इन अ रनिंग ट्रेन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द प्रोटेस्ट हैपेंड हेयर इन डेली एंड इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर वॉज क्वाइट टिल देन ओपन्ड हिज माउथ एंड फाइनली सेड दैट वॉयलेंस इन द नेम ऑफ कॉ विल नॉट बी टॉलरेटेड। टूडे द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू आस्क हेयर when we gather here, that how many more protests and how many more cities, how many more global outrage, how many more international media houses covering this assassination of Gauri Lankesh before the Prime Minister opens his mouth? That is the question all of us need to pose here. He has remained quiet till now. It's been 2 days since the assassination of Gauri Lankesh. He follows the Twitter handles of all of those people who are abusing Gauri Lankesh, but he has not opened his mouth. And we need to keep posing this question again and again. When is the time the Prime Minister will be held accountable? When is the time Prime Minister will open his mouth and condemn what has happened with Gauri Lankesh? जब चार महीने जब यहाँ 2 महीने पहले आए थे जुनैद की मौत के बाद, उस समय मुझे याद है सभा दीवान ने एक बात बोली थी कि अब तो हद हो गई है। सही में लगा था अब हद हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हद बहुत ऊपर हो गई है। तो हर बार एक नई हद पार करते हैं ये, और समझ में नहीं आता इस पर कैसे रिएक्ट करूं। 2 दिन से जब से मुझे खबर मिली है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट बीइंग एबल टू गैदर माई थॉट्स ऑफ हाउ टू रिएक्ट टू दिस न्यूज। आई न्यू गौरी लंकेश पर्सनली, शी वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज समवन हू यूज्ड टू कॉल मी हर सन, एंड आई एम येट टू रिकवर फ्रॉम द शॉक। आई होप इट्स अ बैड ड्रीम, बट समहाउ द रियलिटी इज डॉनिंग अपॉन मी दैट इट्स नॉट। आज जब हम गौरी लंकेश के इस असैसिनेशन के बाद यहाँ गैदर हुए हैं, मुझे वो नज्म याद आ रही है जो सभा दीवान ने उसी दिन बोली थी फैज अहमद फैज की, कि निसार में तेरी गलियों के है वतन, कि जहां चली है रसम कि कोई न सर उठा के चले, कोई चाहने वाला अगर तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। गौरी लंकेश उन लोगों में थी जो ना नजर चुरा के चली, ना जिस्म बचा के चली, न सर झुका के चली। और अगर आज एक चीज हमको ऐसा संकल्प लेना है, हम में से कोई लोग ना नजर चुरा के चलेंगे, ना जिस्म बचा के चलेंगे, ना सर झुका के चलेंगे, सर ऊपर करके चलेंगे। सुना है इन लोगों ने एक लिस्ट निकाली है कि अगला टारगेट कौन होने वाला है। वही सारे लोग जो गाली दे रहे हैं वो एक लिस्ट घुमा रहे हैं कि अगले टारगेट कौन कौन से लोग हैं। बहुत सारे नाम है, अरुंधति रॉय का नाम है, कविता कृष्णन का नाम है, मेरा नाम है, शैला का नाम है, कन्हैया का नाम है। उनको मैं आंख में आंख डाल के बोलना चाहता हूं, जो लोग ये देख रहे हैं, ब्रिंग इट ऑन। इफ यू थिंक वी आर गोइंग टू बी साइलेंस्ड बाय योर टेरर टैक्टिक्स, नो वन इज गोइंग टू बी साइलेंस्ड। द थिंग दैट गौरी लंकेश स्टूड अप फॉर, ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग अप फॉर। वी हैव टू चॉइसेस, ईदर एक्सेप्ट फॉल्सहुड एंड डाई अ स्लो डेथ एवरी डे और बिकम फेयरलेस। वी चूज द पाथ दैट गौरी लंकेश चोज एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फाइटिंग। आज व्हेन दिस क्वेश्चन इज पोस्ड दैट हु ऑल आर कल्पेबल इन द मर्डर ऑफ गौरी लंकेश, लेट अस पोज दैट क्वेश्चन। द हायर्ड गनमैन, वो तो भाड़े के टट्टू थे जिन्होंने जाके उसको मारा, बट दिस एनवायरमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड अक्रॉस द कंट्री वेयर एनीवन कैन बी किल्ड, वेयर ऑल दोस पीपल हु पोज क्वेश्चंस, वेयर ऑल दोस पीपल हु आस्क क्वेश्चंस, दे आर ब्रांडेड एज एंटी नेशनल्स, दे आर ब्रांडेड एज ट्रेटर्स, दे आर ब्रांडेड एज पीपल हु कैन बी एलिमिनेटेड, हु कैन बी किल्ड। एन एंटायर एटमोस्फेयर इज क्रिएटेड लाइक दैट। यू आर ब्रिंगिंग लिंच मॉब्स हियर, यू आर बीटिंग अप पीपल इन कोर्ट्स। If something happens to me tomorrow, I'm saying this because they have branded me the same way. Do not hold just those hired gunmen responsible. Hold media anchors responsible. Hold spokespersons who come every night in television channels and speak venom, spew venom. Hold all of them responsible because all of them have created this situation where anyone can be killed, anyone can be eliminated. And this is a question we are posing, who's next? Who's next that they want to target tomorrow? And when we have gathered here, as Sanjay said in the beginning, I have not come here in grief. Yes, I am sad, but I have not come here in grief. A poet once said that do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. 2 days back, it was not Gauri Lankesh who was shot at. It was India's democracy that was shot at. And the ideas that Gauri Lankesh stood up for, those ideas are very much alive. And that is something we have to cherish
we have to fight for. We have to remember how Gauri Lankesh was killed. But we also have to remember how Gauri Lankesh lived. And that is the legacy we have to carry forward. मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले वो मुझसे बात कर रही थी और बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना, अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, हाउ विल आई बी एबल टू बेयर इट. दोज वर आर एग्जैक्ट वर्ड्स. आई एम हियर टुडे अलाइव. माई फ्रेंड, माई कॉमरेड, अ मदर हु हैड अडॉप्टेड मी, शी इज नॉट देयर. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. I don't know how I can bear it. But one thing I know, which is what I said yesterday also. One thing I know, that I'm not scared. That is something I want to tell everyone, that let us not be scared. These are fascists, these are cowards. We are not cowards, they are cowards. They have to come alone, target a single woman when there was no one with her. That shows how their ideology is on a shaky ground. ये बोलते हैं कि हमसे वैचारिक जंग लड़ेंगे, हम वैचारिक तौर पे इनसे जीत रहे हैं, ये वैचारिक तौर पे हमसे हार रहे हैं, जब भी इनके ऐसे भाड़े के टट्टू हुए किलर्स को इनको हायर करना पड़ता है. बहुत सारे लोग एक बात और बोल रहे हैं, that the Prime Minister is following the Twitter handles of all those people. जो गौरी लंकेश के मरने के बाद अगर उसी भाषा का मैं प्रयोग करके या रिप्रोड्यूस करूं कि एक कुतिया मरी है, अब सारे पिल्ले चिल्लाएंगे, इट्स अ शेम that the Prime Minister follows that. But I am not surprised. I am seriously not surprised. For me, I also see the Prime Minister as a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. And that is the ideology of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ever since they were formed, that is the only thing that they have done. Guruji, jinse Modi sahab bahut prerna lete hain, Guru Golwalkar, wo bahut pehle bol ke chale gaye the ki Angrez hamare dushman nahi hain. Hamare dushman Musalman hain, Isai hain, Communist hain. Aur aaj ke samay mein agar usko badha diya jaye to sare log sawal poochte hain. So I am not surprised. I am also not surprised because if you remember, some years ago he was asked a question, do you regret what happened in Gujarat? Do you feel sad about what happened in Gujarat? तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर कुत्ता गाड़ी के सामने आ जाए तो दुख तो होता ही है. तो ये शब्द कुत्ता और कुतिया, ये इनके विचारधारा को दिखाता है और ये दिखाता है कि ये विचारधारा की लेजिटिमेसी कहाँ से आती है. एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, गौरी लंकेश पत्रकार थी. एक ऐसे समय में जहां बहुत सारे पत्रकारिता पत्रकारों ने अपना जमीर बेच दिया है, जमीर बेच के बहुत अमीर हो गए हैं, गौरी लंकेश उन पत्रकारों में थी. कंटिन्यूड स्टैंडिंग अप फॉर प्रिंसिपल्स दैट अ जर्नलिस्ट इज सपोज्ड टू स्टैंड फॉर. गौरी लंकेश वॉज जर्नलिस्ट हु बिलीव इन द फैक्ट दैट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. और आज पत्रकारों के सामने भी दो चॉइस हैं, झूठ को मान लीजिए, फरेब को मान लीजिए, झूठे हो जाइए, आपका न्यू नया चैनल खुल जाएगा, आपको बहुत सारी फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके साथ यही होगा. पत्रकारिता की बात करी जाए, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आता हूं, 10 महीने से हमारा एक छात्र गायब है, नजीब अहमद. 10 महीने से हमको पता नहीं कहां है वो. कल कोर्ट में हेयरिंग थी, सीबीआई ने कुछ सामने नहीं रखा है. पिछली बार हेयरिंग थी, सीबीआई ने पिछला रिपोर्ट सामने रख दिया था, लेकिन इस दौरान नजीब को लाने के लिए तो कुछ नहीं हुआ. लेकिन नजीब को किस तरीके से, क्योंकि उसका नाम नजीब अहमद है, बदनाम किया जाए, वही सुपारी पत्रिका जो कविता कृष्ण बोल रही थी. एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक खबर आता है कि नजीब पिछली रात आईएसआईएस के वीडियो देख रहे थे. दिल्ली पुलिस बोलती है कि हमारे पास ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकला है. आज तक उस पत्रकार ने माफी नहीं मांगी है, आज तक उस संस्था ने उस चीज को बैकट्रैक नहीं किया है, कोई माफी नहीं मांगी है. आप समझ सकते हैं पत्रकारिता कहां जा रही है और ये पत्रकारिता किस लेवल ऑफ इंप्यूनिटी जनरेट करती है. आज जो नजीब को पीटे थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव चल रहा है, उनमें से एक आदमी ने नजीब को पीटा था, आज वो चुनाव लड़ रहा है. आप देख लीजिए जो मॉडल देश में भारतीय जनता पार्टी का है कि आप दंगा कीजिए, आप हेट मॉन्गरिंग कीजिए, आप फसाद कीजिए, आप ये बोलिए कि अगर वो एक हिंदू महिला को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान महिला को उठाएंगे तो आपको चुनाव लड़वाया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपको बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा. वही मॉडल अब हमारे विश्वविद्यालयों में भी लेकर आ रहे हैं. बहुत जरूरी है इसके खिलाफ हम सारे लोग एक साथ मिलकर लड़े. हम सब लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम सब लोग बहुत सारी चीजों पर अग्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज हमको गौरी लंकेश की शहादत को सही में वैल्यू करना है, हमको सही में इंश्योर करना है, शायद
धावलकर के बाद, पंसारे के बाद, कलबुर्गी के बाद इतनी बड़ी तादाद में हम बाहर नहीं निकले थे। अगर आज भी हम बटे रहे तो आइंदा कौन अगला होगा, हम में से कौन होगा, वो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। एक आखिरी बात बोलते हुए बात अपनी कंक्लूड करूंगा। कुछ दिनों पहले गोरखपुर में बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से वो मौतें हो ही जा रही हैं। ऑक्सीजन काट दी गई, बोला पैसा नहीं दिया है, सरकार को पता था, ऑक्सीजन काट दी गई, एक के बाद एक बच्चे मर रहे हैं। जब से गोरखपुर में तो मर ही रहे हैं, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, आज ऑक्सीजन पूरे देश से काटी जा रही है। ये सवाल हम लोगों पे है कि जो ऑक्सीजन कट रही है, क्या हम उसको कटने देंगे और घुट घुट के मरेंगे, या एक साथ मिलके इस समाज में जो ऑक्सीजन खत्म हो रही है उस ऑक्सीजन को वापस लाएंगे और गौरी लंकेश की शहादत को सही में हम वैल्यू करेंगे, सही में उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये बात बोल के, गौरी आई विल मिस यू, आई विल मिस योर कॉल, आई विल मिस योर इन्विटेशन दैट यू मेड टू योर हाउस, आई विल मिस द फैक्ट दैट व्हेन आई गो टू बैंगलोर नेक्स्ट आई विल नॉट बी एबल टू हैव डिनर विद यू, आई विल मिस द फैक्ट दैट व्हेन यू विल कम दैट यू विल नॉट बी कमिंग टू दिल्ली नेक्स्ट, आई विल मिस एवरीथिंग एंड आई विल इंश्योर दैट ऑल दोस पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर योर डेथ एंड ऑल दोस पीपल हु आर ओवरसीइंग दैट डेथ दैट किलिंग ऑल ऑफ देम आर ब्रॉट टू जस्टिस, वी ब्रिंग दिस फासिस्ट रेजिम डाउन, दैट इज ऑल आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।